आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस ऑनर है, स्पेशली जो कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या रिटेल सेक्टर में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे बिजनेस ऑनर जो है प्रोडक्ट के पैकेजिंग में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आप लोगों को पता है कि आज के समय में प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है कितना इंपॉर्टेंट है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है कितना भी क्वालिटीफुल क्यों ना हो, अगर उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग अगर आपने सही तरीके से नहीं किया है तो आपका जो प्रोडक्ट का इंप्रेशन है वो डिग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे यही कोशिश करना चाहिए कि अगर आप कोई भी क्वालिटीफुल प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका पैकेजिंग जो है आपको हाई क्वालिटी का ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छा है तो कहीं ना कहीं कस्टमर का जो इंप्रेशन है आपके प्रोडक्ट को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आज के समय में जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का जो पहचान है वो उसके पैकेजिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपके प्रोडक्ट पैकेजिंग में दम है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट का जो इंप्रेशन है वो हाई रहेगा। तो अधिकतर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑनर जो है अपना एक बजट बनाते हैं कि मुझे प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में इतना खर्च करना है, तो वो उसी बजट के अनुसार जो है वो अपने लोकल वेंडर को अप्रोच करते हैं प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के लिए। तो यहाँ पे लोकल वेंडर क्या करता है कि आपसे जो है कुछ भी चार्ज कर लेता है, और बहुत सारे लोकल वेंडर तो ये भी बोलते हैं सर आप जो प्रिंट करवाना चाहते हैं इसके लिए आपको जो है एक अलग ड्राइव जो है आपको परचेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोकल वेंडर जो है यहाँ पे एक मिनिमम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि आपको उस मिनिमम क्वांटिटी में ही जो है आपको वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिजनेस ऑनर का जो है एक अनएक्सपेक्टेड ओवरहेड कॉस्ट लग जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस ऑनर जो है अपना एक बजट लेकर चला है कि भाई मुझे प्रिंटिंग में इतना खर्च करना है, तो वो क्या करता है कि यहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है जो कि डायरेक्टली उसके प्रोडक्ट पैकेजिंग पे रिफ्लेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आज के समय में प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ये आपका प्रिंटिंग पैकेजिंग का हो रहा है। तो आज जो है हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं YMW सॉल्यूशन YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिए ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि फ्रेंड्स जितने भी मेरे नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय में मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक वेल रेप्यूटेड कंपनी लेके आया हूँ Printo.in एंड प्रिंटो स्टोर, जो कि आपको वन स्टॉप सर्विस प्रिंटिंग में आपके बिजनेस को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रिंटो के बारे में बात करेंगे। प्रिंटो जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रिंटो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है, जिनके पास 15 साल से भी ज्यादा का जो है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, और इनके पैन इंडिया में 6 सिटीज में जो है 28 रिटेल स्टोर है। और अगर हम लोग इनके कस्टमर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी दे दूँ कि इनके 1 मिलियन प्लस जो है हैप्पी कस्टमर है। और अगर हम लोग इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रेंड्स इनका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। तो अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि प्रिंटो जो है आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर एक बिजनेस हाउस का जो रिक्वायरमेंट है उसके वर्किंग सेगमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे CA फर्म रन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरे फर्म के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे मुझे नोटबुक का रिक्वायरमेंट रहेगा जहाँ पे मेरा कंपनी का नाम और लोगो वहाँ पे प्रिंटेड हो। इसके अलावा मुझे लेटर हेड की रिक्वायरमेंट रहेगी, रबर स्टैम्प की रिक्वायरमेंट रहेगी, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, बहुत सारे जो है मुझे यहाँ पे मेलर इनवेलप बॉक्स भी जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके अलावा जो है मुझे यहाँ पे ID कार्ड का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी मेरे फर्म के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए जो है पैकेजिंग मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आप रिटेल में कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वहां पे आपको कस्टमर को देने के लिए बैग का रिक्वायरमेंट रहेगा, और उस बैग में जो है आपके कंपनी का नाम और ब्रांड जो है दोनों प्रिंटेड होना चाहिए। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट रहते हैं। अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर है या कोई भी वीडियो क्रिएटर है, जैसे कि मैं वीडियो यहां पे बना रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि जो भी मैं टी शर्ट पहन रहा हूं तो उसमें मेरा चैनल का नाम और लोगो वहां प्रिंट होना चाहिए। अगर कोई भी मैं चाय पीने के लिए मग यूज करूंगा तो फ्रेंड्स आपको लगेगा कि उस मग में जो है आपका ब्रांड लोगो जो है प्रिंटेड होना चाहिए। तो ऐसे कई तरह के जो है आपके रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो अगर आपके बिजनेस के लिए भी ये सारे चीजों का रिक्वायरमेंट है तो आप Printo.in पे विजिट करके जो है आप ये सारे सर्विस जो है आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटो का जो मेन प्रोडक्ट है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हाउसेस के लिए वो है कस्टमाइज पैकेजिंग मटेरियल। क्योंकि जितने भी आपका लोकल वेंडर है वो कहाँ पे फंस जाते हैं, कस्टमाइज डिजाइन में। तो यहाँ पे प्रिंटो जो है आपको कस्टमाइज पैकेजिंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा पैकेजिंग एंड शिपिंग लेवल भी जो है आपको यहाँ पे कस्टमाइज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रिंटो के सारे सर्विस के बारे में जानकारी चाहिए तो इसके लिए हम लोग प्रिंटो के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं प्रिंटो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ। मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो
यहाँ पे आप प्रिंटो का सर्विस देख सकते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे बिजनेस कार्ड बनाना है तो आप बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, टोट बैग्स बना सकते हैं, पैकेजिंग लेबल बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, फोटो किसी को गिफ्ट करना है तो आप यहाँ से फोटो भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फोटो बुक्स बना सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं, ऐसे कई तरह के सर्विस जो है आप printo.in से ले सकते हैं। यहाँ पे टी शर्ट प्रिंट करवाना है, मग प्रिंटिंग करवाना है, पैकेजिंग टेप बनाना है, आईडी कार्ड बनाना है आपको अपने एम्प्लॉय के लिए, तो ये सारे सर्विस जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं आपको इनका पूरा प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे जो है आपको पूरा नीचे आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं आवर प्रोडक्ट करके यहाँ पे एक दिया गया है, तो आप यहाँ पे सारे चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको रबर स्टैम्प बनाना है तो आप रबर स्टैम्प बना सकते हैं, अगर आपको कैप में प्रिंटिंग करवाना तो आपको कैप प्रिंटिंग भी यहाँ से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के सर्विसेज जो है printo.in पे दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे सर्विस जो है आपके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े ब्रांड जो है इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि पेटीएम हुआ, बायजू हुआ, फ्रेशवर्क हुआ, उसके बाद अमेजन हुआ, एसेंचर हुआ, बॉश हुआ, एचपी हुआ, होंडा हुआ, टीसीएस, गूगल, फोनपे, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं फ्रेंड्स, सब इनके हैप्पी कस्टमर हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रिंटो का जो सर्विस है कितना सेटिस्फैक्टरी है। तो यहाँ पे अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे हम लोग प्रिंटो ही क्यों यूज़ करें, हम लोग लोकल वेंडर के पास क्यों ना जाएं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बिजनेस के लिए कोई भी पैकेजिंग मटेरियल में प्रिंटिंग का रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में अगर आप लोकल वेंडर को अप्रोच करते हैं तो लोकल वेंडर यही बोलता है कि सर आपका जो भी मटेरियल प्रिंट करना है उसके लिए हमें स्पेशल डाई बनाना पड़ेगा या आपको स्पेशल डाई परचेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ज्यादा कॉस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको लोकल वेंडर ये भी बोलती है कि सर आपको यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी जो है 1000 आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, तभी हम लोग आपका ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने पैकेजिंग मटेरियल के लिए कुछ बजट लेके चलते होंगे, तो वो बजट जो है आपका पूरा गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण जो है आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्वालिटी से, उसका डायरेक्टली रिफ्लेक्ट जो है आपके प्रोडक्ट पे दिखता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रिंटो का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे प्रिंटिंग और पैकेजिंग मटेरियल के, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जो है आपको ये सारे प्रिंटिंग सर्विस आपको ऑफर किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे कोई भी मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक क्वांटिटी भी जो है आप प्रिंट करके मंगवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक क्वांटिटी भी जो है आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको ऑफर किए जाएंगे। तो मुझे प्रिंटो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं अपने लिए जो है एक टी शर्ट जो है यहाँ से ऑर्डर करूँगा, जिसमें मेरा चैनल का नाम और लोगो जो है प्रिंटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं टी शर्ट का ऑप्शन है, तो मैं टी शर्ट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे जो है आपको टी शर्ट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा टी शर्ट में जो है आपको प्रिंट चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं पहला वाला जो टी शर्ट है मैं इसी में आपको दिखाता हूँ। तो आप टी शर्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको टी शर्ट का टेम्पलेट चूज करने के लिए यहाँ पे आएगा। तो जस्ट अ मिनट, ये अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका टी शर्ट का टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे किस प्रकार का आपको डिजाइन चाहिए वो आपको देखना है। यहाँ पे देख रहे हैं मुझे ये टी शर्ट का डिजाइन चाहिए, यहाँ पे मुझे अपना चैनल का नाम और लोगो दोनों चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो है स्टार्ट कस्टमाइजिंग का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। तो आप इस टी शर्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप अपने चैनल का लोगो जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज डिज़ाइन में आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप कस्टमाइज डिज़ाइन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको टी शर्ट पर सारा कस्टमाइजेशन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं योर टेक्स्ट हेयर है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं योर टेक्स्ट हेयर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो आप देख रहे हैं मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, इसको यहाँ पे डन करेंगे। आप इसका फॉन्ट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लगता है कि ये आपका फॉन्ट होना चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं फॉन्ट चेंज हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो है अपलोड इमेज का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ से जो है आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा इमेज इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं यहाँ पर रिप्लेस इमेज करूँगा। और यहाँ पर देख रहे लोगो है, तो मैं इस लोगो को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ऐड दिस इमेज करूँगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो ये इमेज है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको दूसरा इमेज करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस इमेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये इमेज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेव डिज़ाइन एंड प्रोसीड पर क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेव डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो ये जो है आपका पूरा रेडी हो जाएगा इस प्रकार से प्रिंटिंग होने के लिए। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको देखना कितना कॉस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि printo.in से आप कोई भी प्रिंटिंग करके आप मटेरियल मंगाएंगे तो उसका प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर रहता है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर कॉस्टिंग लिखा हुआ है,
क्वांटिटी जो है मैंने एक यहाँ पे ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। यहाँ पे जो है आप साइज सेलेक्ट करें, इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करना, तो आप कर सकते हैं। मुझे नहीं करना है, मैं डायरेक्टली एड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे आप एड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने कस्टमाइज डिज़ाइन किया था, यानी कि जो भी आपका ऑर्डर होगा वो आपका कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है कार्ट में ऐड हो चुका है और यहाँ पे टोटल अमाउंट पेएबल जो है 664.55 रुपीस आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर आपको इस अमाउंट में 15% का अगर डिस्काउंट लेना है तो यहाँ पे आपको एक कूपन कोड लगेगा और यहाँ पे एंटर कूपन है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक कूपन टाइप करना पड़ेगा जिससे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रिंट केएस जो है आप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अगर आपको printo.in से आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ भी ऑर्डर करना रहे तो फ्रेंड्स आप मेरा कूपन कोड यूज़ ज़रूर कीजिए, प्रिंट केएस। आपको उस कोड से जो है 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मुझे 564.87 रुपया यहाँ पे लग रहा है। तो फाइनली जो है मैं यहाँ से कंटिन्यू टू चेकआउट पे क्लिक करूँगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना शिपिंग एड्रेस जो है आपको देना पड़ता है। तो यहाँ ऐड एड्रेस है, आपको ऐड एड्रेस पे जाके जो है आपको पूरा यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आपका एड्रेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे अगर आपका बिलिंग एड्रेस सेम है तो आपको इसमें टिक आउट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में अलग अलग पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। printo.in का जो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और इसको जो है आप बहुत ही आसान तरीके से जो है आप यूज़ करके आपके बिजनेस को जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने अपने लिए टी शर्ट ऑर्डर कर लिया है, तो आप लोग भी प्रिंटो का सर्विस यूज़ करके जरूर देखें क्योंकि प्रिंटो जो है आपको हाई क्वालिटी का प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर फ्यूचर में आपके बिजनेस के लिए कोई भी इस प्रकार का रिक्वायरमेंट है तो आप जो है printo.in का प्लेटफॉर्म आप जरूर यूज कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।